हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व पाठक जी। और नमस्कार, अपूर्व पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज धन्यवाद सर, अपूर्व पाठक जी धन्यवाद। बात करेंगे तिथि प्रवेश चार्ट के ऊपर और टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे देखते हैं उसमें, है ना, कैसे उसको सिंक्रोनाइज करते हैं D1 के साथ हम लोग, उसके ऊपर आज का विषय है। और डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपूर्व जी, शुरुआत करिए। चलिए, धन्यवाद सर। एक बार दोबारा मुलाकात काफी दिन बाद हो रही है दर्शकों से, और सबसे पहले अपने दर्शकों का अभिनंदन। और आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है तिथि प्रवेश। तिथि प्रवेश के पहले बारे में थोड़ा सा समझा दें कि तिथि प्रवेश होता क्या है। हम जब पैदा होते हैं तो जो हमारा वैदिक कैलेंडर वो तिथियों के अनुसार चलता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया ये तिथियां होती हैं। तो जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन की तिथि, मान लीजिए शुक्ल पक्ष में पैदा हुए कृष्ण पक्ष में पैदा हुए, तो उस दिन की तिथि वो हमारा वैदिक बर्थडे। हम तो आजकल सारे लोग हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, भाई किसी का बर्थडे 2 जनवरी को है तो 2 को मना रहा है, लेकिन जो वैदिक सिस्टम है वो है तिथि प्रवेश के द्वारा। ठीक, तिथि प्रवेश चक्र वो होता है कि जो जिस समय प्रिसाइसली जितनी तिथि आपकी है, ठीक, और जितनी तिथि लैप्स हुई है उसी समय जो तिथि आपकी जब अगले साल आएगी तो आपका तिथि प्रवेश चक्र बनेगा। और ये एक ईयरली चार्ट होता है, इससे ईयरली प्रिडिक्शन देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि इस बार मेरे लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो सकता है, इस साल मेरे लाइफ में किस भाव से संबंधित क्या चीजें घट सकती। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी समझ में आई कि हम तिथि प्रवेश एक ईयरली चार्ट की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, छोटी स्लाइड बनाई है मैंने तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या ये और स्क्रीन दिख रही है? दर्शकों को भी बता देते हैं कि जो तिथि प्रवेश चार्ट है वो जे होरा में बनेगा, आपका जे होरा में बन जी जाएगा। अच्छा, तो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मेरी? बिल्कुल तो सबसे पहले रूल्स पे आ जाते हैं, ज्यादा नहीं। वीकडे लॉर्ड जिस दिन पर हमारा तिथि प्रवेश चक्र तिथि उस दिन जिस दिन पड़ रही होगी, जो वारेश बनेगा, वारेश माने जो उस वार का स्वामी बनेगा, हमें उसको देखना है तिथि प्रवेश में। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, जिस होरा, होरा जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं वैसे होरा होती है 24। ठीक है, बृहत पराशर होरा शास्त्र, होरा माने समय, होरा। ठीक है, अहोरात्र से बना हुआ शब्द है होरा, तो होरा माने घंटा समझिए। और वो जो घंटा, जिस प्रिसाइस घंटे पे ये तिथि प्रवेश पड़ रहा है, बन रहा है, जो उसका स्वामी बनेगा हमको उसे देखना। पहला वारेश विग्डे लॉर्ड, दूसरा होरा होरा लॉर्ड। ठीक है, तीसरा देखना है कि जो जन्म लगन है उससे ये जो तिथि प्रवेश की लगन बन के आ रही है ये कहाँ पड़ रही है, 2, 4, 10, 6, 8, 12 कहाँ पड़ रही है। ठीक है, अभी उदाहरण में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ये सारी चीजें आप देखिए, उसके बाद जो नैसर्गिक कारकत्व है, जैसे कि किसी का इस बार का होरा लॉर्ड मान लीजिए बना शुक्र, तो शुक्र का नैसर्गिक कारकत्व क्या है, व्हीकल्स, शादी, कलत्र सुख, है ना, वो सारी चीजें भी वो इस साल दे सकता है। तो नैसर्गिक सिग्निफिकेटर्स, नैसर्गिक कारक जिस जिस ग्रह का वो होगा, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है। रूल्स क्लियर है? बारिश, होरा लॉर्ड और लगन की पोजीशन। ठीक है, अब हम सीधा उदाहरण पे चलते हैं। अगर ये स्क्रीन ना दिख रही हो तो मैं इसको जगन्नाथ होरा पे दिखाऊं तो लोगों को नहीं, ज्यादा दिख इजी दिख समझ रहा है, आए। दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, ये एक हॉरोस्कोप है, एग्जाम्पल नंबर 1।
चलिए इसको हम लोग जगन्नाथपुरा पे ही खोल लेते हैं, तो वो ज्यादा आसान रहेगा लोगों को समझना। इसमें भी दिख रहा है ऐसे तो। कुछ चीजें और भी दिखानी है तो वो हो सकता है इसमें दिक्कत हो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसको जगन्नाथपुरा में ही खोल लेता हूँ। तिथि प्रवेश, शेयर, ये वो उदाहरण है जो मैं प्रस्तुत कर रहा था। अच्छा अब देखिए, ये कुंडली है, इनकी शादी 25 मई 2022 को हुई है, सितंबर 3 का इनका जन्म है, तो तिथि प्रवेश हमको देखना है 2021 का। 2022 का तिथि प्रवेश तो 22 और 23 में चलेगा, है ना, 21 का 21 और 22 में चलेगा, सितंबर के पहले तक। तो मई में शादी हुई है तो 2021 का तिथि प्रवेश देखना है। जगन्नाथपुरा में हमें यहाँ जाना है तिथि प्रवेश में, और यहाँ पे वो सन टाइप करना है, जैसे 2021 मैंने टाइप किया, और फाइंड तिथि प्रवेश। ठीक, तो ये इस बार का तिथि प्रवेश चक्र आ गया। अब हमें यहां जाना है नीचे, जहां पे ये एनुअल टीपी लिखा है, एनुअल तिथि प्रवेश, यहां पे जाना है। यहां पे देखिए, होरा लॉर्ड शुक्र, ठीक, और वैदिक वीकडे वेडनेसडे मरकरी, कौन कौन से दो प्लैनेट बने, बुध और शुक्र। शुक्र। इस तिथि प्रवेश में आइए और देखिए, बुध और शुक्र कहाँ प्लेस्ड हैं, सेवेंथ सप्तम हाउस, भाव में, सेवेंथ सेवेंथ लॉर्ड भी है। सेवेंथ लॉर्ड भी बन रहे हैं सेवेंथ हाउस में, शुक्र उसमें से नैसर्गिक विवाह का कारक। अब हम चलते हैं इसमें जो दशा तिथि प्रवेश में देखनी चाहिए, ईयरली दशा होती है, जिसे कहते हैं तिथि अष्टोत्तरी दशा। ठीक, अब हम देखते हैं कि 25 मई को इनकी शादी हुई है, 25 मई 2022, तो 2022 में अप्रैल से लेकर के जून तक का, जुलाई तक का चल रहा है वीनस शुक्र, जो हमारा होरा लॉर्ड बना था और सेवेंथ हाउस में भी प्लेस्ड है। अब शुक्र में देखिए कि मई 15 से लेकर के मई 25 तक बुध का समय चल रहा है, जो सेवेंथ लॉर्ड है और जो वारेश बना था। वीकली ठीक लॉर्ड। है, तो हम ये देखिए कि इस महादशा में, इस अंतर दशा में इसका मैरिज इनका संपन्न हुआ, शादी इनकी संपन्न हुई। डे तक निकल जाएगा इसमें। और नीचे भी जाएंगे तो 23 से लेकर के 25 तक भी बुध का ही समय चल रहा है, 25 की शादी हुई। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर। अब हम आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है चार, ओके, यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए, ये नेटल चार्ट है। आपका वो नहीं दिख रहा स्क्रीन, स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जगन्नाथ हो रहा की, ये एक उदाहरण कुंडली है दूसरी, ठीक है, तुला लग्न की कुंडली है। उस पहले चार्ट में एक पॉइंट बताना भूल गया कि इस लगन का माने, आप ये देखिए कि इनकी जो लगन है लगन वो कुंडली। मेष है, जो मेष है सप्तमेश शुक्र था, तो शुक्र हमको वहां मिला होरा लॉर्ड। ठीक है, दूसरा जो लगन थी वो मीन थी, तिथि प्रवेश में जो 12वें घर में आती है। बिल्कुल। शादी के जस्ट पहले इनका ट्रांसफर भी हुआ है, ये कहीं बाहर भी रहने गए हैं, और शादी में एक बड़ा विवाद भी हो गया, तो अड़चन है, दिक्कत। ठीक है, वर्गो अच्छा, संगीत। करेक्ट करेक्ट। अब अगर हम आए तो इस कुंडली में आए, इनकी शादी 2010 2 मई को हुई, ठीक है, तुला लगन है। अच्छा,
अब सितंबर का बर्थ है, मई 2010 की शादी है, तो तिथि प्रवेश में आएंगे और 2009 का तिथि प्रवेश हम चेक करते हैं, ठीक है? हर तिथि प्रवेश चार्ट हर साल बनाना चाहिए हर व्यक्ति का, साल, हर और साल, हर देखना चाहिए अपने साल। जन्मदिन पे, देखना चाहिए और वो चीजें फिर उसको ब्लेंड करना चाहिए D1 के साथ। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि इनका जो तिथि प्रवेश है उसमें तुला लगन थी और वृषभ लगन बन के आ रही है, ठीक है? वैदिक वीक डे देखिए, बुधवार आया, और होरा मंगल। रॉड मंगल। अब अगर इस कुंडली में देखें तो मंगल सप्तमेश है, तिथि प्रवेश कुंडली में देखें तो भी मंगल सप्तमेश है। बुध मंगल का डिस्पोजिटर है और शुक्र का डिस्पोजिटर है, जो लग्नेश और सप्तम का संबंध सेकंड हाउस में बन रहा है, बुध उसका डिस्पोजिटर। ठीक है। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट चीज और होती है, फीमेल की कुंडली में फोर्थ हाउस भी बड़ा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद घर का भी तो परिवर्तन होता है ना, लिविंग प्लेस चेंज। लिविंग प्लेस। कई कई लोग 200 300 400 किलोमीटर दूर से आते, समथिंग रिलेटेड टू फोर्थ हाउस इज ऑल्सो देयर। चतुर्थ भाव से संबंधित चीजें भी घटती हैं। इस केस में मरकरी इस पूरे कॉम्बिनेशन का डिस्पोजिटर। अब हम देखते हैं कि इनकी शादी 2 मई 2010 को हुई है, तिथि अष्टोत्तरी दशा में देखते हैं कि क्या चल रहा है। 2010 मरकरी, जो हमारा वीकडे लॉर्ड बना था और डिस्पोजिटर है वीनस और मार्स का। अब मरकरी में देखिए, 2 मई 2010 को मंगल चल रहा है, 2 मई से लेकर के 7 मई तक, तो बुध में मंगल। तो बता दें कि यहाँ 2010 ही क्यों लिया, क्योंकि उनका जन्मदिन ही 2000 सितंबर में है, 2010 का देख रहे हैं तो हम तो 2010 ही लिए। 2009 का देखेंगे, क्योंकि 9 का ऑपरेटिव होगा 2010 के सितंबर तक, और मई में शादी हुई है 2010 की, तो ये दशा उसके हिसाब से चलेगी। और 2010 ये आपका मार्च 17 से लेकर के मई 16 तक बुध का महादशा चल रही है, और इसमें अंतर दशा जो मई में आई है वो मंगल की है। और यही दोनों ग्रह हमें, आप यहाँ पे देखिए कि जो तिथि प्रवेश में वो बुध था वारेश, और जो होरा लॉर्ड था वो मंगल था। कहने का मतलब है कि 2022 चल रहा है, किसी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो अपना तिथि प्रवेश चार्ट जरूर बनाएं 2023 के लिए। 2023 में भी आप देख सकते हैं जिनका आ रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। वीक डे देखना है, मतलब कि वारिश कौन है, होरा लॉर्ड देखना है, ठीक। बाकी आप D1 के कुछ कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली अगर रिपीट हो रहे हैं दोनों में और उनका वारिश या उससे कुछ संबंध बन रहा है, तो वो बहुत पूरे तरीके से मतलब उसको मैनिफेस्ट करेगा, रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करेगा, योग को मैनिफेस्ट करेगा, जो भी बनना होगा। ये जॉब के लिए भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, 10th लॉर्ड, सैटर्न और वो सब चीजें, फॉरेन के लिए भी देख सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा एक टेक्निक आज आपने बताया, बताइए और चलिए। तो एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी मैलेफिक कॉम्बिनेशंस बनता देखें, 6 8 12 में, है ना, खराब स्थिति में ग्रह, ऐसी स्थिति में जो तिथि के देवी या देवता होते हैं उनकी पूजा करने से वो दोष कम होता। मैंने इस स्लाइड में, आप इसे अपनी स्क्रीन पर बड़ा कर लें या इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, या हम कोशिश करेंगे इस फाइल को अटैच करने की, यूट्यूब पे हम अटैच कर दें, तो आप इसमें से देख करके, ये S1 S2 S3, ये शुक्ल पक्ष है, शुक्ल प्रतिपद, शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया, है ना, इस हाँ तरीके से पूर्णिमा तक है, और कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया, और इस तरीके से अमावस्या तक, ठीक है? तो इन तिथियों के देवी देवता दिए गए हैं, जैसे शुक्ल प्रतिपद के हैं ब्रह्मा, शुक्ल द्वितीया के हैं अग्नि, ठीक है? इस तरीके से आपको
इन देवी देवताओं की पूजा करने से अपने तिथि पर, जैसे कि आपकी मान लीजिए सप्तमी तिथि पड़ रही, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को आप पैदा हुए, आपने उस वर्ष का तिथि प्रवेश बनाया, आपने देखा कि भाई छठे भाव का स्वामी अष्टम में है और शनि के साथ है, पीड़ित है, लग्नेश भी अष्टम में बैठा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कुछ नेगेटिव योग होने के, ठीक है, तो आप गए शुक्ल सप्तमी पे, जो उनके देवता हैं यमराज, उनका आवाहन किया, उनको नमस्कार किया, उससे हम उस वर्ष में होने वाली नेगेटिव इवेंट से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, एकदम खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ इवेल मिटिगेट कर सकते हैं। ओके ओके, इस तरीके से ये जानकारी आपको इस्तेमाल करनी है और आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा सबका, नमस्कार, चलिए प्रणाम प्रणाम।